नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र दांगी। आइए मौसम पूर्वानुमान की शुरुआत करते हैं वेदर सिस्टम से। इस समय अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पर पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। 2 से 3 दिन के दौरान पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इस समय राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र पर भी बना हुआ है, जहाँ से एक तरफ अरब सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक बनी हुई है। वहीं अरब सागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आसपास एंटी साइक्लोन भी बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी के मध्य क्षेत्र में भी एंटी साइक्लोन देखा जा सकता है। एक और उत्तरी दक्षिण तरफ केरल तटीय कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक से होती हुई मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश के मध्यवर्ती क्षेत्र से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र तक बनी हुई है। इन मौसमी सिस्टम के चलते देश के कई राज्यों में अच्छी बारिश की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश बढ़ने वाली है। वहीं मध्य भारत के कई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। तो आइए जानते हैं मौसम पूर्वानुमान को विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिम भारत के मौसम से। आने वाले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की बात की जाए तो जहां पर जम्मू कश्मीर के अनेक भागों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश, कई स्थानों पर मध्यम बारिश की भी संभावना है। लद्दाख के दक्षिणी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी गरज चमक के साथ बूंदाबांदी, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 30 अप्रैल से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश की भी संभावना बन रही है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की बात की जाए तो 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, इटावा, ललितपुर, झांसी, कानपुर, चित्रकूट, बांदा में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी, कुछ स्थानों पर तेज हवा चलने या हल्की बारिश भी कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल मौसम साफ बना रहेगा। वहीं 30 अप्रैल से उम्मीद है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश बढ़ेगी। राजस्थान की बात की जाए तो 24 घंटे के दौरान जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर, राजसमंद, कोटा, बूंदी तक गरज चमक के साथ अच्छी बारिश की संभावना है। राजस्थान के शेष इलाकों में भी गरज के साथ आंधी चलने, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। अब बढ़ते हैं मध्य भारत की ओर। 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ के कई भागों में गरज चमक के साथ अच्छी बारिश की संभावना है। 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी, तेज हवा चलने की भी संभावना है। जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर, झाबुआ, रतलाम में हल्की बारिश या बूंदाबांदी कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। वहीं विदर्भ के पश्चिमी क्षेत्र में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी, जबकि शेष इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर मराठवाड़ा में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है, जबकि मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। कोंकण, गोवा में भी बादल बनने, एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी संभव है। अब बढ़ते हैं पूर्वी भारत की ओर, जहां पर बिहार में फिलहाल मौसम साफ बना रहेगा, जबकि झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में इस दौरान गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भी संभावना है। सिक्किम में हल्की बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्य की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। असम के पूर्वी क्षेत्र में भी अच्छी बारिश होगी। मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। शेष इलाकों में बूंदाबांदी संभव है। आखिर में जानते हैं दक्षिण भारत के मौसम के बारे में, जहां पर अंडमान निकोबार द्वीपों में हल्की बारिश होगी। दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात की जाए तो कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्र, तेलंगाना के पश्चिमी क्षेत्र में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी, जबकि रायलसीमा में हल्की बारिश होगी। कर्नाटक के तटीय दक्षिणी क्षेत्र, केरल, तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्र, लक्षद्वीप समूह में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तो दोस्तों, आज के लिए मौसम पूर्वानुमान में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।